हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हम बात कर रहे हैं। साल 2018 में रिलीज हुई सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ साल की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक साबित हुई थी। अब केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर बातें चल रही हैं। 2020 की सबसे चर्चित फिल्म है ये, जिसमें यश एक बार फिर से रॉकी भाई की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही संजय दत्त इस फिल्म में अधीरा का रोल प्ले करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो टीम ने लगभग 90% शूटिंग जो है वो पूरी हो गई है। अब कुछ लड़ाई का जो फाइटिंग सीन्स हैं और जो क्लाइमेक्स सीन है ये फिल्माने अभी बाकी हैं। वहीं इस फिल्म के विलेन अधीरा के फैंस के लिए राहत भरी खबर आई है। कैंसर का इलाज कराने के बाद अभिनेता जल्द ही काम पर लौटने वाले हैं। अभिनेता संजय दत्त ने स्वास्थ्य कारणों से काम से ब्रेक लेने के लगभग 2 महीने बाद शुक्रवार को ये कहा कि वह काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। संजय दत्त जल्द ही केजीएफ चैप्टर 2 की शूट करेंगे। संजय दत्त हाल ही में दुबई से मुंबई लौटे हैं और हेयर स्टाइलिश आलिम हकीम के सलून पहुंचे। सलून के बाहर अपनी कार की ओर बढ़ते हुए संजय दत्त ने मीडिया कर्मियों से ये कहा कि अभी बीमार नहीं हूं, ऐसा मत लिखना। इसके बाद सभी जोर जोर से हंसने लगे। जाने माने हेयर स्टाइलिश आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में संजय दत्त अपनी बीमारी और आने वाली फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। जाने माने हेयर स्टाइलिश आलिम हकीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में जो संजय दत्त हैं बहुत सारी बातों के बारे में बात कर रहे हैं और संजय दत्त के पास इस समय केजीएफ चैप्टर 2, शमशेरा, भोज, पृथ्वीराज और टोरबा जैसी फिल्में हैं। वीडियो में संजय दत्त ये बता रहे हैं कि वे अपनी दाढ़ी केजीएफ के लिए बढ़ा रहे हैं। कैंसर के इलाज के दौरान उन्होंने शेव कर डाली थी, लेकिन केजीएफ में उनका दाढ़ी वाला लुक चाहिए। बता दें कि एक्शन ड्रामा फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में संजय दत्त अधीरा की भूमिका निभाएंगे। फिल्म में संजय दत्त के अलावा बहुत सारे लोग आपको नजर आने वाले हैं और काफी मजा आने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 को प्रशांत नील जो है निर्देशित कर रहे हैं और इस फिल्म के निर्माता विजय हैं। संजय का किरदार एडवेंचर्स एंड गेम के सुपर विलन थैनोस जैसा नजर आने वाला है। इस फिल्म को इस साल कई सारी भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा, तो इस पर आपकी क्या राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।